अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर कर रही हूँ, वैसे तो थंबनेल से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, लेकिन उसको पूरा देखने के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं मज़ीद अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं जा रही थी शाम को, इशा की नमाज़ के बाद मैं निकली। सडनली मेरा प्लान बन गया, क्योंकि मुझे कुछ अपनी स्टेशनरी की कुछ बुक्स वगैरह, कुछ कॉपीज जर्नल्स वगैरह लेने थे, नोटबुक वगैरह। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका व्लॉग बना कर शेयर किया जाए और आपको बताया जाए कि यहाँ पे स्टेशनरी की जो चीज़ें मिलती हैं ना, वो इस तरह होती हैं। वैसे तो यहाँ पे बुक शॉप होती है, लेकिन बुक शॉप पे और मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनमें रेट का बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो चीज़ें भी मुझे लेनी हो मैं एक साथ एक ही दफ़ा मार्केट में जाके वहाँ से उठा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बस में बैठी, बस नंबर अब 10 जो है वो तेबिया मार्केट में जाती है, तो इसलिए आप लोगों ने भी अगर जाना हो तो आप इजीली बस में जा सकते हैं। और जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मुझे पता चला कि मतलब सऊदी स्कूलों ने 10 दिन की कोई छुट्टी दी हुई थी। इनकी तो छुट्टियों का पता ही नहीं चलता कब इनकी छुट्टियाँ होती हैं, कब ये आधा साल तो छुट्टियों में इनका गुजर जाता है। तो वहाँ जाके तो पूरा जो स्टेशनरी मैं पहुँची, तो मार्केट में इस तरह सारी चीज़ें लगी होती हैं और जो जो चीज़ें आपने उठानी होती हैं वो आप अपनी मर्जी से उठा लें, हर चीज़ का रेट मेंशन होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने का मकसद बस यही था कि अगर आप लोगों ने भी चीज़ें लेनी हो स्टेशनरी की, कॉपीज़ ये पेंसिल्स वगैरह कुछ भी, तो आप बुक शॉप पर तो जाएँ, लेकिन वहाँ पर ये होता है कि रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए मेरा बताने का मकसद भी यही था कि आप जो है मार्केट में ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं तो आप एक साथ उठा भी सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं भी जो हूँ, जब भी मुझे स्टेशनरी का कुछ लेना हो तो मैं यहाँ से ही लेती हूँ। ये बावजीर का मैं अंदर का व्लॉग दिखा रही हूँ। तो इस तरह आपका बहुत इजीली हो जाएगा। और इसीलिए थोड़े से रैक्स जो थे वो खाली थे, क्योंकि सऊदी स्कूल खुले थे और सब ने उजड़ा पुजड़ा सब कुछ किया हुआ था। और ये वॉलपेपर्स भी मिल जाते हैं आपको ईजीली यहाँ से, तो आप ये भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। बॉटल्स वगैरह, कलर्स, पेंसिल, जर्नल, हर चीज़ होती है, तो आपको कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। एक ही प्लेस में आपको हर चीज़ इजीली मिल जाती है, आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, हाफिज़।